एक बात बोलूं सच्ची सच्ची, मैं ना 2 घंटे से अंदर विलेज में घूम रही थी, ठीक है, मुझे वॉशरूम भी जाना था, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। बाहर निकल के आए हैं बहुत देर बाद, होने दो थोड़ा सा फिर ठीक है। तो उन्होंने हमें वेट करने के लिए बोला था, तो वहाँ नहीं हो पाया। कि अगर वहाँ पे मेरी पसंद की चीज़ें भी होती ना तो शायद मैं नहीं जाती, बिकॉज बिल्कुल भी हाइजीन नहीं था एंड आई डोंट नो लोग कैसे बैठ के खा रहे थे। चलो ठीक है, वो उनका अपना चॉइस है, मेरे को नहीं जमा। स्वीट्स हो गया या बहुत सारी चीज़ें हो गई, स्नैक्स हो गए, जो भी, मतलब ऐसा लग रहा था लाइफ में मैं पहली बार देख रही हूँ ये सब, क्योंकि ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट, इतनी गर्मी और ये गाँव का पूरा एटमोसफेयर देख के मतलब दूसरे ही लेवल पर चले गए थे। और ऐसा है ना, लोगों का खाने से मूड बनता है, मेरा भी बनता है, लेकिन जो मूड मेरा वेदर से बनता है ना वो और किसी चीज़ से नहीं बनता। ये मेन रोड हाईवे पे हम आए और एक काफ़ी अच्छी जगह है, खाएंगे। मैंने कॉल पे काइकिंग को थोड़ा सा डिले कर दिया है कि भाई थोड़ी सी तो धूप डाउन होने दो, मैं आऊँगी। आ गई हूँ मैं वहाँ पे फाइनली जहाँ पे काइकिंग होती है। तो यहाँ का स्काई देखो इतना क्लियर, इतना प्यारा है ना। ये उनका घर, जो काइकिंग के लिए जो बोट्स वगैरह होती है ना छोटी वाली, वो सब प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ अभी यहाँ पे कैसे है। आई डोंट नो हाउ टू स्विम एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग, दैट्स द बिगेस्ट फियर आई थिंक, बट आई एम नॉट स्कैर्ड। आई आस्क्ड हिम इफ आई एम गोइंग टू सेव मी, ही सेड फर्स्ट आई एम गोइंग टू लास्ट, देन आई एम गोइंग टू सेव यू। So let's see and later I'm going to tell you the price and everything. Let's experience this daring thing. Blue one. Blue one. Like this. Okay. You push it down a bit more. Push it down. No? Okay. Like this? Yes. Oh. गार्ड्स बहुत पीछे है, उन्होंने भी आगे जाने के लिए बोल दिया है। एंड दूसरे साइड बहुत ज़्यादा ब्लैक क्लाउड्स और वहाँ पे बारिश हो रही है। तो यहाँ से भैया के पीछे पीछे जाते हुए मैंने कर ली थी अपनी कायाकिंग की प्रैक्टिस। आप भी अगर आओगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर तो देखो लगता है, बट व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग न्यू यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड वंस यू डू दैट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। और एनीथिंग से मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ी सी रिवाइंड करके अगर क्लिप देखोगे ना, तो मैंने बोला था कि भगवान मौसम अच्छा कर दो ना, और बारिश हो गई है बहुत तेज़ और ब्लैक क्लाउड्स भी आ गए हैं, तो यहाँ पे आ गए हैं मुझे मज़ा। और कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट इन्जॉय करो इस कायाकिंग को, और तुम भी अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और आनंद लो इस खूबसूरत से वातावरण का अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे थम चुका था मौसम और भैया ने भी एज अ गाइड मुझे दिए मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर। ये होती है 2 घंटे की कायाकिंग, जहाँ पे आपको मिलता है एक बहुत बड़ा राउंड, जहाँ से आप करते हो लेफ्ट से स्टार्ट और पूरा राउंड लेके आप आते हो राइट के साइड में दोबारा से। और इस बीच में आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी वीडियोस बनाना चाहते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ बीच में रुक के इंजॉय करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। भैया ने हमें पानी में डाइव करने का भी ऑप्शन दिया था, जहां हम पानी में रह के इन्जॉय कर सकते थे, लेकिन वो हमारा चॉइस था कि हम पानी में नहीं गए, क्योंकि हमें ट्रैवल करके बाइक से वापस घर भी जाना था। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ पानी में जाके इन्जॉय भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और अगर उसके लिए आप रिग्रेट नहीं करना चाहते तो अपने एक्स्ट्रा क्लोथ्स याद से कैरी ज़रूर कर लेना। और अब था हमारा यहाँ से काफ़ी इन्जॉय करने के बाद निकलने का टाइम, तो मैंने इस रोड को कैप्चर करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंड्स एक साथ जब इस रोड पे आते हैं तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इस गांव के अंदर कुछ है भी या नहीं, या किस साइड है एग्जैक्टली। तो ये सराउंडिंग्स आपको हेल्प करेगी लोकेट करने में कि आपको एग्जैक्टली आना कहाँ है।
और इसी के साथ यहाँ से जाते हुए मैंने कायाकिंग वाले भैया से ली विदा, और उन्हें किया था प्रॉमिस कि ज़रूर हम कोलैब करेंगे इंस्टाग्राम पे निहारिका अंडरस्कोर 170। तो हमारी एक्साइटिंग रील अगर आपको नहीं करनी है मिस और जानना है भैया के बारे में और ज़्यादा, तो इनके पेज को आप जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जहाँ मैं इनकी आईडी को कर दूंगी टैग, ताकि आपको ईजी हो इनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट माई रील्स ऑन निहारिका अंडरस्कोर 170। एंड लेट मी टेल यू द प्राइज़ अगेन, for per person kayaking prices 499। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मतलब दिन में जितना मेरे को बुरा लग रहा था ना वेदर की वजह से, अभी मुझे उतना ही अच्छा लगा। और अगर आप हो रिवर फूड के फैन तो आप रिवर फूड भी इंजॉय कर सकते हो। एंड अगेन आपको यहाँ से वापस जाते वक्त मिलेंगे खूबसूरत पॉइंट, और जहाँ आपको देखने को मिलेगा प्यारा सा सनसेट, जहाँ पे आप बैठ के बहुत सारी बातें कर सकते हो, चिल कर सकते हो। कायाकिंग या केरला ट्रिप से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो बिना सोचे समझे डीएम कर देना निहारिका अंडरस्कोर 170 पे। और अगर आपने केरला ट्रिप की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो अभी जाके देखो। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।